हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज क्या हैं आपके इस रिश्ते को लेकर। ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे, जो भी बीमार है उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। नेगेटिविटी और थर्ड पार्टी आप सभी के लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाए, आप सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए। ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी मैरिड हैं जल्दी एक दूसरे के साथ रहने लगे, जो सिंगल हैं उनके पार्टनर्स उनकी शादी हो जाए, और जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही उनके पार्टनर की फैमिलीज मान जाए, उनसे शादी करवा दें। ओके, द फूल स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे यूएस के पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट सेक्शन क्या है। दो कार्ड हैं हमारे पास, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ फैमिली इश्यूज हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। डेथ, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दो कार्ड से हमारे पास, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ट्स। The sun, Queen of Wands, एक और कार्ड लेंगे हम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप भी बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, और रिसेंटली हो सकता है आपके किसी, आपके पार्टनर के अलावा आपके किसी फैमिली मेम्बर ने या फिर आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने आपको कुछ ऐसी बात कही है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में आए और आपने उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, और आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ हुई है कि आपसे अलग होकर उनको समझ आया है बहुत सारे रिश्तों की असलियत। ओके, आपके पार्टनर ना गाइस जिस भी सिचुएशन की वजह से पीछे हट गए थे, आप दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया था, या आपके पार्टनर ने बोला कि अब ये चीज़ वर्क नहीं करेंगी, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हुए भी कि अगर ये रिश्ता शुरू होता है तो हम लोग का समाज, सोसाइटी, फैमिली, इन सब चीज़ों से हमें सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर पीछे हट गए थे, तो लेकिन ये सब चीज़ अब जानते हुए भी वो इस रिश्ते की वापस शुरुआत तो करेंगे ही, पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे इस रिश्ते की आपके साथ। जिस भी रीज़न की वजह से आपको मना कर दिया था, उस रीज़न से
उस रीज़न को जानते हुए वो अब आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम था, आप मैरिड हैं, आपके इन लॉज ने आपको बहुत कुछ कह दिया था, या आप दोनों की नहीं बनती थी और बीच में आपके पर्सन मतलब जो आपके हस्बैंड या वाइफ थे जो भी था उन्होंने आपका आपका साइड नहीं लिया, हमेशा आपको गलत समझा, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। आपसे अलग होकर उन्हें 6 महीने या साल भर हो चुका होगा या इससे भी ज़्यादा समय हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर को अब जाके चीज़ें समझ में आने लगी हैं। जब आप दोनों का रिश्ता नया था या काफ़ी पुराना, काफ़ी समय तक आप दोनों साथ में रहे तो उन्हें उनकी आपकी वैल्यू नहीं समझ आई, वो चीज़ समझ नहीं सके, लेकिन जब जब वही चीज़ें वापस हुई कि आपसे दूरियां रहते हुए बहुत समय निकल गया, धीरे धीरे वो अकेले पढ़ने लगे, तब उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और फैमिली को वो ये बता चुके हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना है और आपसे ही आपका ही साथ उन्हें चाहिए, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अगर उनके मम्मी या पापा हैं तो उन्होंने अपने मम्मी पापा को बता दिया है कि आप वो आपके साथ ही खुश रहेंगे और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। डिसीज़न तो सुना ही दिया, डिसीज़न ले भी लिया हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है जो ये दिखाता है कि आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें आपको ही कमिटमेंट देना है, फैमिली के शुरुआत कर चुके हैं, फैमिली में आपके लिए बात कर चुके हैं, कमिटमेंट आपको देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। आप दोनों के बीच की जो दूरियाँ सेपरेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से गॉड बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड दिखाता है जो चीज़ें पुरानी चल रही हैं वो ख़त्म होकर नए से वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। और द फूल का कार्ड है, ये लाइन में भी देखिए द फूल का कार्ड है, और लास्ट कार्ड हमारे पास लाइन में है डेथ का, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में नई शुरुआत होगी, पुरानी सारी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। आपके पार्टनर के दिल में धीरे धीरे आपको खोने का डर बढ़ता जा रहा है, उनके दिल दिमाग में फ़िलहाल आप ही हैं इस रिश्ते के बारे में। अगर उनका जॉब ऐसा है ट्रैवलिंग का तो अब कुछ टाइम में उनका ट्रैवल करना बंद हो जाएगा, और जब वो घर पर रहेंगे ना, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन फिर से लगे, तो उनके दिमाग में दिल दिमाग में सिर्फ आप ही आप होंगे, आपके सिवा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। उनके दिल दिमाग में जब आपको खोने का डर बनेगा ना, तो वो पूरी तरह से आपकी तरफ आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि अब आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन था, कोई भी इशू था, उसके अब आपके पार्टनर ज़्यादा टाइम तक नहीं सुनने वाले, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। अब आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए आप एक विश बन गए हो, तो वो चाहेंगे पूरी तरह से कि आपके साथ उनका रिश्ता बहुत ही खूबसूरत हो जाए और पूरा हो जाए। ये कारण एट ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखाता है कि आप दोनों का रिश्ता पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, गॉड बहुत जल्दी पूरा कर देंगे, मैरिड हैं तो वापस साथ रहने लगेंगे, और अगर आप सिंगल हैं तो आप दोनों का रिश्ता एक कमिटमेंट में बढ़ जाएगा। कमिटमेंट में कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है जो हमें दिखाता है कि बहुत सारे झगड़े होने के बाद में आप दोनों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर पूरी तरह से बात होगी, और यहाँ पर बात होगी शादी को लेकर, मुझे यहाँ लग रहा है। ओके, आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, द सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, यहाँ पे साफ दिखाता है कि आप दोनों के बीच में, डेथ का कार्ड दिखाया है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो भी लड़ाई झगड़े हुए थे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको भी उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना है, आपको भी दिल खोल के पॉजिटिव होकर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है, कोई शिकायत कोई गिला शिकवा नहीं करना है। आपके पार्टनर के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो पॉजिटिविटी ही आपको अट्रैक्ट करनी है, गॉड पे बिलीव करना है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मानते हैं, बस कोई एक नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए रुके हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो या तो मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, किसी के चेहरे पे तो स्माइल आई है कि हाँ मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ इस तरह से। ओके, यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल जो दिखाता है कि आपके पार्टनर को एहसास है कि मेरा पार्टनर मेरा मतलब आपके लिए, कि आप उनका वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस लौट कर आ जाएं, आप बिना किसी लालच के, बिना किसी रीज़न के उनसे प्यार करते हैं। आप अगर वो जॉब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, वो उनके पास कितना पैसा है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी एज क्या है, वो मैरिड है अनमैरिड, आपको इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, या आपके पार्टनर आप ये सोचते हैं, और एक्चुअल में ऐसा ही है कि आपने बिना कुछ सोचे समझे अपने पार्टनर से सिर्फ दिल से प्यार किया, तो ये आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों के लिए निभाता हूँ, लेकिन जो मेरा वेट कर रहा है मुझे उसके पास जाना है। हम एनर्जी ओरेकल डेक से भी देखते हैं इतनी प्यारी एनर्जी के बाद, कि देखते हैं क्या ही एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, एक मिनट, हाँ स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्लीज़ हमें बताएँ।
जो भी ऑब्स्टिकल्स जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें रिमूव करके दोनों को हमेशा के लिए एक करते हैं। मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखना है क्योंकि मुझे लगता है कि आपके थॉट्स ना आपके पार्टनर तक जाते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव कोई न्यूज़ आने वाली है। आपके पार्टनर की तरफ से अगर ब्लॉक किया हुआ था तो आपके पार्टनर आपको पॉजिटिव होकर अनब्लॉक करेंगे और आपके साथ बात करेंगे। इसलिए मैंने शायद आपको बोला था कि आपको कोई गिला शिकवा नहीं करना है अपने पार्टनर से। एक्सेप्ट कीजिए सारी चीज़ों को। माना कि आपने बहुत सुना है, बहुत ज़्यादा कुछ सहा है, बहुत लंबे समय तक वेट किया है, सवाल करना आपका हक बनता है, लेकिन कुछ समय तक मत कीजिएगा सवाल, आपको खुद आंसर मिल जाएंगे। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पार्टनर आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया था हमारे पास टैरोट से। यहाँ पर गाइस आपकी पॉजिटिविटी और आपके थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप गॉड से जब मांगते हैं तो उस पर बिलीव कीजिए। गॉड से मांगने के बाद में ये सोचना है आपको कि हाँ आपका जो भी वो है विश है वो बस पूरी हो गई है, उसके ऊपर डाउट नहीं करना है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है आपको नेगेटिव। ओके, गुडनेस ऑफ द मून, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। गॉड भी आपकी सारी जो भी आपने विशेज़ मांगी हुई हैं, जो भी प्रे की हुआ है गॉड से, वो गॉड सारी चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देंगे। ओके, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और खुशियाँ आएंगी। आपके पार्टनर से ही जुड़ी हैं आपकी सारी खुशियाँ, तो आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लौट कर वापस ज़रूर आएंगे। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने पार्टनर को मिरर करते हैं। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं लेकिन कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं। हीलर ऑफ द एजेस एंड मैजिशियन इन द मिरर, गाइज आपको अपने थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करके पॉजिटिव करना होगा। मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं रिलेशन को लेकर, जो एंजल्स में बिलीव करने लगे हैं, एंजल नंबर्स में बिलीव करने लगे हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में अच्छे से बिलीव करते रहिए, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगे। अपने पार्टनर को लेके कभी नेगेटिव नहीं सोचने। ओके, मैन होल्डिंग ए कॉइन, वाह देखिए यहाँ पे फिर से एक कपल आया है। मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, आप दोनों का एक ज़रूर होना है गॉड, ज़रूर आप दोनों को एक करेंगे, नेगेटिव आपको नहीं होना है। नंबर 42, नंबर 43 यहाँ पर आया है हमारे पास मैजिशियन एंड द मिरर एंड हीलर ऑफ द एजेस। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं, और यहाँ पे ये कंफर्मेशन भी है, कपल आया है नंबर्स के साथ में। ये बहुत ही प्यारी और पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप दोनों जिस भी एनर्जी में हैं, जिस भी आप जर्नी में हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल्स आपको सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में अभी बुरी चल रही है उससे निकलने के लिए ताकत देंगे। आप दोनों को एक करेंगे, गॉड में बिलीव कीजिए, एंजल्स में बिलीव कीजिए। आप दोनों बहुत ही प्यारी सी जर्नी में, हमेशा अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जब जैसे मान लीजिए आपने ये सोचा कि आपके पार्टनर छोड़ के चले गए हैं, वो आएगा नहीं आएगा, तो सेम थॉट्स आपके पार्टनर के भी हो जाएंगे आपके लिए। आप सिचुएशन कुछ भी हो वो वैसा ही सोचेंगे जैसे आप। अगर आपको लगा कि हाँ हम दोनों हमेशा साथ हैं, तो आपके पार्टनर के दिमाग में भी ये थॉट्स आएंगे कि हम दोनों हमेशा साथ हैं तो मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर रही, हम दोनों एक हैं, तो वो भी यही सोचेंगे कि हम दोनों तो एक हैं, हम दोनों दूर क्यों हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बहुत अच्छी बात समझाई है, आई होप आप लोगों को इजीली ये बात समझ में आई होगी। ओके, तो ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, गॉड में बिलीव कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ध्यान रखना। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।